दोस्तों ये है मोटो जी 85 5G एंड इसका जो ना काफी चीजें वगैरह टेस्ट कर रहे हैं और बहुत सारे गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस स्ट्रेस सारा चीजें कर रहे हैं। वो सभी वीडियोस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो जाकर के देखो, ऑलरेडी चैनल पे लाइव हो चुका है, बहुत सारे और भी टेस्ट कर रहे हैं जिसका वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। बट आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले जो पीछे में जो वीगन लेदर वगैरह दिया है ना भाई, ये मतलब आपको वीडियोस में देखने में तो काफी अच्छा लगता होगा, चलो भाई स्मूथ है, बहुत सारे वीडियोस वगैरह आपने देखा बताया कि काफी तगड़े है, बट इसकी प्रॉब्लम्स जो दिक्कत है ना, आपको जो फेस करना पड़ेगा ना, उसके बारे में भैया किसी ने नहीं बताया। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मोटो जी 85 5G के ऊपर में जो वीगन लेदर है। इनफैक्ट जितने भी और भी फोन्स मोटोरोला के आ रहे हैं जिसमें भी वीगन लेदर है, उसमें आपको क्या प्रॉस एंड क्या कॉन्स देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप एक वीगन लेदर वाला फोन खरीदोगे आपको ये जानकारी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना लेने के बाद में पछताओगे। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले, वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये है मोटो जी 85 5G, मेरे पास जो है ग्रीन कलर वाला वेरिएंट है, इसका और दो कलर आता है, एक में आपको बिगर बेजलर जो आता है ब्लू कलर उसमें भी आता है, एक और जो ब्लैक वाला आता है उसमें आपको प्लास्टिक कार्बोनेटेड प्लास्टिक के साथ में आपको देखने को मिलेगा। देखो प्लास्टिक का हालचाल तो आपको पता ही है, उसमें दिक्कत नहीं होता, पर देखो वीगन लेदर का सबसे बड़ा एडवांटेज जो होता है ना दोस्तों, जैसा कि पीछे आप देख रहे हो ये जो टेक्सचर्स वगैरह है ना, ओवरऑल हाथ में पकड़ने में फीलिंग काफी तगड़ा देता है, और ये जब भी गेम्स वगैरह खेलोगे ना इसमें ग्रिप अच्छा देता है, पकड़ने में अच्छा रहेगा, एंड वीडियोस फोटोज वगैरह जब भी आप ऐसे करके भाई व्लॉग वगैरह बनाओगे फिर उसमें भी काफी तगड़ा आपको एक्सपीरियंस देगा, एंड टचिंग में आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देगा। साथ में यहाँ पे अगर देखो कुछ और भी एडवांटेज, जैसे कि यहाँ पे अभी देखो ओवर द टाइम जब आप पकड़ोगे ना, यहाँ पे हल्के हल्के काले निशान बहुत ही जल्दी आ जाते हैं, जो एक कॉन है बेसिकली, हाथ का मैल रहेगा, गंदगी रहेगा, तेल रहेगा, कुछ भी कुछ फंसते रहेगा जब भी मतलब टच होते रहेगा, तो बहुत जल्दी गंदगी को अट्रैक्ट कर लेता है। बट एडवांटेज बात है कि भाई आप आराम से इस पर हल्का सा पानी डाल करके रब करो, भाई साफ हो जाता है लिटरली गाइस। बट हाँ, ये फोन आपको IP52 रेटिंग के साथ में आता है, भाई पानी वानी डाल करके अगर ध्यान से अगर साफ करोगे तभी साफ करना, वरना भाई पानी अगर अंदर में होल में चला गया तो आपका फोन भी खराब हो सकता है। वीगन लेदर का एक और प्रॉब्लम यह है कि भाई देखो ये सबसे बड़ा एडवांटेज बताता हूं, देखो जब भी आप गेम वगैरह खेलोगे ना तो फोन तो काफी ज्यादा हीट होगा बट आपको फील नहीं होगा, क्योंकि ये लेदर बैक होने की वजह से ना जो गर्माहट को अंदर ही रोक देता है, बट इसका नेगेटिव इंपैक्ट आपके फोन पे पड़ता है क्योंकि फोन ज्यादा हीट होता है। बट हाँ, अगर आप हैवी टास्क वगैरह करते हो, बहुत तगड़ी लेवल की गेमिंग वगैरह करते हो, तभी ये इश्यू आने वाला है, वरना तो भाई फोन काफी ठीक ठाक लगेगा। साथ में देखा जो वीगन लेदर है, देखो इसमें क्या होता है कि एक एडवांटेज क्या है, आपको जब भी देखो जैसे ये ऐसे कुछ भी करो स्क्रैचेस वगैरह जल्दी नहीं पड़ेंगे, बट हाँ एक बार अगर स्क्रैच या फिर थोड़ा सा भी शार्प ऑब्जेक्ट, ब्लेड हो जाए, पेन हो जाए, ऐसे से भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे ही पड़ेंगे ना भाई वो कट जाता है, लिटरली गाइस कट जाता है। प्लास्टिक में क्या होता है भाई, वहां पे हल्का सा स्क्रैच आता है बट ये ना भाई कट जाएगा, ऑफ कोर्स अंदर में प्लास्टिक दिया गया बट ऊपर का जो लेदर है जो ना स्टिकर्स गम से इसको चिपकाया गया, तो कटने के बाद में अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। वैसे अभी काट करके मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, बट फ्यूचर में जरूर करेंगे, आप लोग सपोर्ट करोगे, चैनल 1 मिलियन तक चले जाएगा तो फोन को ऐसे गिरा गिरा कर तोड़ के भी दिखाएंगे, इसलिए भाई सब्सक्राइब किया करो। और नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या आता है पता है दोस्तों, आप देखो अगर आप पेन का ज्यादा इस्तेमाल करते हो, आप कोई लिखने पढ़ने वाला स्टूडेंट्स वगैरह हो या फिर अपने काम काज में पेन वगैरह इस्तेमाल करते हो और साथ में फोन को भी साथ में इस्तेमाल करते हो, भाई अब देखो होता क्या है कि पेन वगैरह जब भी आप इस्तेमाल करोगे इंक वगैरह आपके हाथ में उंगलियों में कभी काल आ जाता है, और जैसे आप इसके ऊपर लगाओगे भैया वो इंक इसके ऊपर में चढ़ जाएगा और वो जल्दी साफ नहीं होगा, रगड़ते रह जाओगे साफ नहीं होगा। साथ में अगर पेन से बच्चे उच्चे के हाथ में गलती से इसके ऊपर में कुछ लिख जाए तो भाई वो बहुत ही जल्दी, अब प्लास्टिक में फ्रेम किया होता है भाई वो काम नहीं करता, इंक वगैरह नहीं लगता, पेन वगैरह से लिखने भी जाओ तो उसमें नहीं होता, बट हाँ वीगन लेदर पे आसानी से इसके ऊपर बैक में कुछ भी लिखा जा सकता है जिसका आपका मतलब भाई पता चल जाए, कुछ लिख दो भाई क्वालिटी बेकार हो जाएगा, अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। साथ में देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे जो ना साइड में देखोगे ना यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम देके रखा है जो कि ठीक ठाक ही है, बट हाँ थोड़ा सा टेक्सचर जो है ना डिफरेंट है, बट ओवरऑल देखा जाए भाई वीगन लेदर डेफिनेटली काफी अच्छा प्रीमियम लेदर स्मूथ देता है। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो अपने ऑफिस में काम करते हो, धूल वगैरह पे नहीं जाते हो, क्योंकि देखो रोड वगैरह ट्रैफिक वगैरह में जब भी आप ज्यादा ट्रैवल करोगे या फिर आप ऐसे एनवायरमेंट में रहते हो जहां पे धूल वगैरह ज्यादा, मिट्टी वगैरह या फिर ऑयल ग्रीस वगैरह ज्यादा रहता है भाई, वो ये बैक लेदर जो है खराब कर देगा, लिटरली खराब कर देगा, और हार्डली 20-30 डेज के अंदर में बोलो भाई ये कौन सा पुराना बाबा आजम का 2 साल पुराना फोन रखा। तो ऐसे जगह पे अगर काम करते हो, ज्यादा ट्रैवल वगैरह करते हो, भाई आपके लिए प्लास्टिक फ्रेम या फिर ग्लास फ्रेम बेस्ट हो जाता है, एंड
वीगन लेदर आपको अगर कोई ऑफिशियल काम करते हो, ज्यादा धूल मिट्टी में वगैरह में नहीं ट्रैवल करते हो, स्टूडेंट्स वगैरह हो, पेन का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो, स्टूडेंट्स लोग तो पेन इस्तेमाल करते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन ऐसा स्टूडेंट भाई पेन इस्तेमाल नहीं करता है, तब तो भाई मतलब इसको बचा करके आपको रखना होगा। बाकी गाइस इतने सारे प्रोस एंड कॉन्स वगैरह है एंड एडवांटेज तो ज्यादा ही है इसका, ओवरऑल देखो गेमिंग वगैरह तगड़ा चल जाता है। वैसे मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी अभी खेल कर रहा हूँ एंड एक्सट्रीम लेवल तक खेल रहा हूँ, पबजी भी खेला है, साथ में जेंशन इंपैक्ट का भी टेस्ट करने वाले। मैं स्पेशली इंटरेस्टेड हूँ जो जेंशन इंपैक्ट कितना ज्यादा ये झेल पाता है, तो वो सभी वीडियो चैनल पे जल्दी आने वाला है। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड मैं मिलता हूँ गाइस आप लोगों से अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।